ये साइन पब्लिक स्कूल है जो हम लोगों का स्कूल हम लोग ओपन कर रहे हैं। ये उसका साइट है, साइन पब्लिक स्कूल, नया स्कूल हम लोग ओपन कर रहे हैं। ये उसका साइट है, चलिए आपको दिखाते हैं पूरा। ये फ्रंट वाला एरिया है ना, आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये हम लोगों का साइन पब्लिक स्कूल, इसमें तीन पार्टनरशिप है ना, एक हम हो गए, एक ललित सर हो गए और एक गुड्डू तिवारी, है ना। तीन लोगों के द्वारा यह स्कूल जो है साइन पब्लिक स्कूल खोला जा रहा है। ये गार्ड रूम है, आप देख सकते हैं, ये गार्ड रूम तैयार हो रहा है और लगभग तैयारी के अंतिम कगार पर है। ये गेट हो गया, ये आप देख रहे हैं, और ये मेन गेट हो गया, है ना, ये मेन गेट है। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं। ये पूरा फील्ड है, ये इसी के, ये इससे होकर के यहाँ आपको लग रहा होगा कि साइड में देख रहे हैं, ये ऑफिस है। चलिए आपको ऑफिस भी दिखाते हैं, साइन पब्लिक स्कूल का ऑफिस भी दिखाते हैं। ये पूरा पैसेज है, देखिए, और साइन पब्लिक स्कूल का ये आपका ऑफिस है, आप देख सकते हैं, ये ऑफिस है, ये ऑफिस है आपका। और ये आप देख सकते हैं पूरा लगभग 1.5 बीघा में ये जो है ये स्कूल है। देखिए, ये पूरा का पूरा अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, 2 महीना के अंदर में यह स्कूल चालू हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं, जो भी इच्छुक हैं एडमिशन के लिए इस साइन पब्लिक स्कूल में, ये जो है 1 to 8 के लिए तत्काल शुरू होगी। और बहुत जल्द इसका एफिलिएशन वगैरह भी प्रक्रिया में है, बहुत जल्द ही एफिलिएटेड भी हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में चला गया है। अब चलिए दिखाते हैं, ये इसका फील्ड है साइन पब्लिक स्कूल का, और ये स्कूल जो है तीन लोगों के द्वारा शुरू की गई है ना, जिसमें ललित सर, प्रकाश सर जो मैं हूँ, और एक गुड्डू तिवारी के द्वारा ये स्कूल को शुरू किया जा रहा है। तीन लोगों के द्वारा यह स्कूल को शुरू किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि नींव का कार्यक्रम हो रहा है, वो भी आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल है पूरे चारों ओर, स्कूल के चारों ओर जो है ये बाउंड्री वॉल है। देखिए कितना बड़ा फील्ड है, आप देख सकते हैं। ये जो है, देखिए, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं ये कैसे, देखिए, ये नींव देने का काम, रूम बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द 1 से 2 महीना के अंदर में यह स्कूल शुरू हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं कि अगर आप